हेलो फ्रेंड्स, इट्स अ कंटिन्यूइंग ब्लॉग जो हमने पहले एक ब्लॉग बनाया था हरिद्वार ट्रिप का, ये उसी को आगे कंटिन्यू करता है ऋषिकेश ट्रिप। अभी हम ऋषिकेश के लिए मूव ऑन कर रहे हैं। मेरा चैनल स्मार्ट होम ट्रिक्स, आपने होपफुली इसे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल ही जाएगी मेरी वीडियो की। चलिए अब हम चल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। सो आप देख रहे हैं ये अभी हम हरिद्वार में ही हैं, ऑन द वे टू ऋषिकेश। कितना सब खूबसूरत है, आप पहले भी देख चुके थे घाट की खूबसूरती। अब देखिए कितना अच्छा सा स्कल्पचर्स बना हुए हैं ये सब घाट। और ये जो आप देख रहे हैं दूसरी साइड में, कि आपको इधर ये हर की पौड़ी दिख रही थी जहाँ पे टाइम ट्रैवल शो हो रहा था। एंड अभी हम लोग ये वही सब एरिया है जिसमें ये देखिए बड़े से शिव जी हैं और कितना क्लीन वाटर है। कांवड़ी भी यहाँ पे जा रही हैं और मतलब बहुत ही प्लेजेंट वेदर है और वेदर भी अच्छा है। थोड़ी धूप है बट ऐसे उत्तराखंड है तो वेदर अच्छा ही। अभी हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। देन उसके बाद हम ट्रैक करके फाउंटेन के लिए जाएंगे। दैट्स अ वंडरफुल फाउंटेन। मतलब मैं इतने सालों बाद आई हूँ 2012 से 2021 में डायरेक्टली। सो मैंने इसके बीच में काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे, लोगों के रिव्यूज भी सुने कि बहुत ही अच्छी जगह है। जब मैं पहले आई थी तो मैं अपने ऑफिस ग्रुप के साथ आई थी और इट वाज सरप्राइज फॉर अस। और यहाँ पे अभी हम आने के बाद कार पार्क करके हम ये मैगी खा रहे हैं। ये एक नेगी भैया हैं जो मैगी बना रहे हैं, जिनका कहना है कि ये लास्ट 10 ईयर से यहाँ पर हैं। शिकंजी ऑर्डर करने वाले हैं और मैगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसा है। अभी आप देख सकते हैं इधर हमने कार पार्क करी है और ये इस तरीके से हमें ऊपर ट्रैक करके जाना है फाउंटेन के लिए। मैंने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे लोग उतर के आ रहे हैं ना, ऐसे ही हमें ऊपर जाना है ट्रैक करते हुए। इट्स अ वेरी वंडरफुल फाउंटेन। मतलब बहुत ही क्लीन वाटर है बट एज यू नो ना पीपल्स, तो कहीं पे भी लोग गंदा करने से बाज नहीं आते हैं। लोग टूटा प्लास्टिक एंड डिस्पोजल्स हर जगह डिस्पोज करते ही रहते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे नीचे भी इसका पानी ऐसे आ रहा है बट इधर ऐसे जाने का कोई भी जुगाड़ नहीं है तो हम ऊपर ही जाएंगे। और ये फाउंटेन ना 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सो मैंने अभी जैसे ये मैगी पॉइंट पे भैया से पूछा है तो उन्होंने बताया है कि चेंजिंग रूम्स जो हैं वो लेवल 1 और लेवल 3 पर ही हैं। सो अभी देखो ट्रैक करके और टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम कौन से लेवल तक ही जा पाते हैं, क्योंकि टाइम कम है, काफ़ी लेट होता जा रहा है। इट्स अराउंड लाइक 4:30 हो गया है अभी और ऊपर जाने में टाइम लगेगा क्योंकि फिर हमें गंगा आरती के लिए भी जाना है। तो वी आर प्लानिंग कि हम लेवल 1 पर ही जाते हैं और वहीं पे, क्योंकि चेंजिंग रूम है, हमें चेंज भी करना है। सो ये हमारी सोडा शिकंजी तैयार हो गई है, अभी हमने एक एक ग्लास बनवाई है। सो उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि ये कैसी है सोडा शिकंजी हमारी, बेसिकली हमारी नहीं किसी और की, क्योंकि हमने डिस्पोजल्स के लिए बोला है और ये डिस्पोजल में नहीं ग्लास में है तो हमारे लिए आएगी अभी सोडा शिकंजी, तो फिर हम आपको बताएंगे उसका रिव्यू। अरे ये तो हमारी टेबल पर आ गई, लगता है हमारी ही है। चलिए कोई बात नहीं, अभी मेरी फ्रेंड शुभी इसको ट्राई कर रही है, अब देखते हैं क्या बताती हैं ये कैसी शिकंजी है। उसके बाद
एक्सप्रेशन से देखिए ना, बोल रही हैं अच्छी है, आप ट्राई करो। तो अब हम और शिकंजी ऑर्डर करने वाले हैं, फिर हम साथ में मैगी खा के थोड़ा सा पेट भर जाएगा, फिर हम ऊपर जाएंगे और फिर हम नीर फाउंटेन में वापस से नहाने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम देखेंगे कि वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि जब पहले मैं गई थी तब तो बहुत अच्छा था, इवन उस टाइम पे तक क्राउडी भी नहीं था, लोग कम जाते थे, लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं था। हमारे बॉस ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे करके फाउंटेन है, तो हम लोग उनके साथ ही आए थे। और उस टाइम पे मतलब इतना सुनसान था कि जब हम रिटर्न कर रहे थे ना, तो मतलब हम इतनी जल्दी आ रहे थे कि लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं ऑल ना। और ये देखो इन्होंने गन्ने का रस निकालने की भी मशीन यहाँ लगा रखी है, शुगर केन जूस फ्रेश निकलवाओ, फ्रेश पियो, बट वी आर नॉट टेकिंग इट। सो वो ट्रैक करते समय प्लीज़ वेयर योर स्पोर्ट्स शूज़ फ्लोटर्स, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस था कि मेरी हम लोगों ने फ्लोटर्स डाले थे, मेरी एक फ्रेंड ने स्लीपर्स डाले थे और उसकी स्लीपर ट्विस्ट होके टूट गई थी, इवन न्यू स्लीपर थी उसकी, उसने एक दिन पहले ही परचेज़ करी थी और वो ट्विस्ट होके टूट गई थी। तो बहुत दिक्कत हुई थी रिटर्न आने में, क्योंकि ट्रैक थोड़ा सा ना मतलब वो पथरीला सा है और पत्थर भी चुभने वाले हैं इसलिए। तो आप आओ तो प्लीज़ आप अपने फ्लोटर्स या फिर स्पोर्ट्स शूज़ कुछ कैरी करके लाना। फ्लोटर्स अगर आप कैरी करो तो आपको स्लीपर्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बट स्पोर्ट्स शूज़ के संग स्लीपर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि नहाने के बाद पैर वैर गीले हो जाएंगे तो फिर आप कैसे शूज़ कैसे पहनोगे, वो ख़राब हो जाएंगे। सो इस टाइम पे तो हम लोग शूज़ और स्लीपर्स कैरी कर रहे हैं, बट लास्ट टाइम हमने फ्लोटर्स कैरी किए थे। सो देखिए मैगी आ गई है, इट्स लाइक वेरी कलरफुल, यमी लग रही है, लेट्स सी कैसी है। सो वैसे तो सब डिस्पोजल यूज़ कर रहे हैं, बट प्लास्टिक स्पूंस आई डोंट लाइक इट, बट क्या करें अभी ट्रैवल में करना पड़ेगा, हम घर से हमने स्पून्स कैरी नहीं करे, फोक्स कैरी नहीं करे, तो ठीक है। मैगी का टेस्ट भी अच्छा है, सो हमने 2 मैगीज़ मंगाई हैं, 2 सोडा शिकंजी। अभी देखिए हमने खा पी के हम चल दिए हैं हमारे फाउंटेन की तरफ, साथ में हम कुछ क्लोथ्स कैरी कर रहे हैं ताकि हम चेंज करेंगे ऑब्वियसली। और देखिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये कितना ट्रैक बना हुआ है। ट्रैक इट्स नॉट सो वेरी गुड, मतलब कि ऊंचे नीचे पत्थर हैं इसमें और इस तरीके से हैं। अभी ये शुभी कैप्चर कर रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि फाउंटेन इस साइड से भी फाउंटेन का फॉल का वाटर आ रहा है। देखिए आप ये बालों की हालत तो देख ही रहे हैं अपना, कितने बुरे हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम नहा के आ रहे हैं तो सही से कोम भी नहीं हो पाए हैं हरिद्वार से जब नहा के आए हैं, इवन ड्राई तो हो ही चुके हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी है। तो अभी हम चल दिए हैं, थोड़ा सा हम साथ में स्नैक्स भी कैरी कर रहे हैं कि ऊपर अगर कुछ चाय वाय की व्यवस्था होगी तो उसके साथ में मज़े लेंगे नहाने के बाद। तो चलिए जैसे कि नीचे भैया ने बताया था कि ऊपर नहाने की व्यवस्था तो अच्छी है। वाह हम पहुंच चुके हैं ट्रैक कवर करके, और देखिए ये नीचे एक टी स्टॉल है, कुछ लोग यहाँ पे भी इंजॉय कर रहे हैं, बट हम इससे ऊपर जाएंगे। ये कोई लेवल में काउंट नहीं होता है, बट बहुत से लोग यहाँ मस्ती करते हैं, फ़ोटो शोटो खिंचाते हैं ऑल लाइक। देखिए अब हम पहुँच चुके हैं लेवल 1 पे, इट्स अ लेवल 1। इसके साइड में इन्होंने एक ब्रिज बना रखा है जो कि आगे का माउंटेन को कनेक्ट करता है, जिससे कि आप लेवल 2 पे जा सकते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी सी चाय की टपरी हैं, मैगी पॉइंट्स हैं, और मैं और शुभी दोनों यहाँ आ चुके हैं। अभी हम नहाने के लिए सबसे पहले तो चेंज करने वाले हैं, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा गीले कपड़ों का बर्डन लेके अपने साथ चलना नहीं चाहते, इसलिए हम वही वाले कपड़े डालेंगे जो हमने हरिद्वार में पहने थे। तो उसके बाद हम चेंज करेंगे, फिर हम नहाएंगे, देन अगेन हम चेंज करेंगे। थोड़ा सा टाइम वेस्ट तो होगा बट ओके। और अब हम आ गए हैं पानी के अंदर, देखिए पानी बहुत अच्छा है, बहुत डेप्थ भी ठीक ठीक है, बट क्या है ना यहाँ पे पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं नीचे, जो कि आपको वैसे विजिबल नहीं होते, इसलिए आपको सावधानी से पानी के अंदर आना है। पीछे प्रेशर वाटर का बहुत ज़्यादा है कि आप उस पर एकदम से खड़े नहीं हो सकते। तो हमने बहुत इंजॉय करा, बहुत मस्ती करी। वॉशरूम एक है, लोगों ने उसे बहुत अनटाइडी कर रखा है, बच्चों के हमने मास्क वास्क पहन के अपना चेंज वेंज कर लिया, जस्ट काम चलाओ, मतलब बस कुछ नहीं कह सकते, नो कमेंट्स। बट पानी बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। हम पे टाइम कम है, अदरवाइज़ हम 1-2 घंटे और यहाँ निकाल सकते थे। अब देखिए ये जो ब्रिज मैंने बताया था ना, ये उससे इसका व्यू, यहाँ से आपको ना शायद वाटर का फॉल इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, बट फॉल भी बहुत ज़्यादा है और उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है कि आप उसके नीचे खड़े नहीं हो सकते। और ये ब्रिज की दूसरी साइड जिधर हम आ रहे थे ना, जिधर से जो रास्ता पड़ रहा था वो है ये। तो आप देखिए बहुत ही अच्छा है ये वाटरफॉल। अब हम जाने की तैयारी में हैं कि हम वापस जाएंगे और ऐसे ही ऊपर जा चुका है, चाय एंजॉय कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ से परमात निकेतन। सो गाइस इफ यू लाइक आवर वीडियो शेयर लाइक कमेंट, बहुत ही सुंदर होती है, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें अपने एक्सपीरियंस।